अभी मैं बस रेडी हो गई हूँ एंड वी आर गोइंग टू सेंट टॉरस फॉर सम शॉपिंग एंड या मैं लेट हो गई हूँ एंड द स्ट्रगल टू पुट एन आई लाइनर इज़ रियली रियल लाइक आई लाइनर नहीं लगा जाता देव मुझे बुला रहे गाइस हम आ गए हम सेंट टॉरस और अब हम जा रहे हैं फॉर द शॉपिंग शॉपिंग हमने मेन मम्मा की करनी है मैंने ऐसे कोई शॉपिंग नहीं करनी क्योंकि जिस ज़रूरत ही नहीं है तो जब ज़रूरत होगी तब देखा जाएगा तो अभी सेल लगी हुई है और हम मम्मा के लिए शॉपिंग कर रहे हैं तो हम आज देखेंगे सफ़ायर मुझे जीन बहुत पसंद था उसमें भी सेल लगी तो शायद जीन वगैरह देखें एथनिक बट सफायर इज़ द मेन प्रायोरिटी नाउ आखिरकार आप अपनी शॉपिंग करने आई हैं मुझे तो ज़रूरत नहीं थी क्यों नहीं थी अम्मा इतना सब तो लग रहा है ये मम्मा की वेडिंग एनिवर्सरी की गिफ्ट ही समझ नहीं तो सबसे पहले तो हम गए सफ़ायर क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी थी बट सफ़ायर में इतने कोई ख़ास कपड़े में नज़र नहीं आए जितने ऑनलाइन नज़र आ रहे थे उस तरह के प्रिंट्स नहीं थे देन हम गए एथनिक एथनिक में क्वालिटी अच्छी है और कपड़े भी अच्छे थे बट इट वाज एक्सपेंसिव वी आर एट एथनिक एंड आई थिंक ये ब्लैक वाला बहुत प्यारा है ना सब जिसमें हम अभी बाहर आके बैठे हैं वी आर सो टायर्ड इसमें तीन वी आर टायर्ड एंड मम्मा अभी एथनिक में तो मैंने कहा क्यों ना मैं उसके सामने ही बैठ जाती हूँ बिल्कुल क्योंकि मुझे वहाँ कुछ नहीं लेना था एंड दिस टाइम आई थिंक एथनिक की जो प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी और इट वाज रियली टू मच लाइक सिंपल सी शर्ट इट्स अबाउट 30,000 मतलब 30,000 एथनिक के बाद हम लोग जाएंगे जीन मैंने कोई इसकी कलेक्शन देखी थी ऑनलाइन एंड तब अच्छी थी आई डोंट नो अब अच्छी होगी इन स्टोर्स पे या नहीं स्टोर्स पे ना कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं राइट नाउ वी आर एट आउटफिटर्स और मैं यहाँ के ड्राइंग रूम में बैठ कर मतलब वीडियो बना रही हूँ तो यहाँ पे हमने लिए थे कुर्सी के कुछ कपड़े लिए थे एंड बहुत जदोजहद और मैंने तो मशक्क़त के बाद जाके उसको कुछ पसंद आया एंड देन शी अबाउट इट तो उसे ले ली अपने कपड़े एंड वी आर देन फिर आगे आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग और कोई अच्छे कपड़े मुझे दिखे नहीं लाइक जीन में भी कुछ नहीं था ऑनलाइन तो जैसे जैसे सब कुछ ही मिल रहा हो ऐसा कुछ भी नहीं था खाड़ी में तो एक विंटर स्टफ़ भी नहीं था तो मेरे ख्याल से भी मार्केट पे विंटर स्टफ़ आया नहीं है इसीलिए बट सब पे जो सेल लगी थी वो इट वाज ओनली ऑन द समर स्टफ और विंटर का भी कुछ नहीं आया तो शॉपिंग के बाद हमने बुंदू खान रेस्टोरेंट ट्राई किया लास्ट टाइम हमने इसको मुल्तान में खाया था बट अभी सेंट टॉरस में न्यू खुला है सो वी थॉट व्हाई नॉट ट्राई इट अभी हम आए हैं बुंदू खान स्वीट समथिंग एंड द प्लेस इज रियली नाइस तो जो हमने ऑर्डर दिया था ना वो एक पिंगेसियस फिश का ऑर्डर था और दूसरा था चिकन कढ़ाई का टू बी वेरी ऑनेस्ट पिंगेसियस फिश का जो ऑर्डर था वो इतना अच्छा नहीं था बिकॉज जो फिश का अपना टेस्ट होता ना वो उसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया था बिकॉज उसमें स्पाइस बहुत ऐड थी
ना कुछ डाल दूंगी कि मम्मा मस्टर्ड खाना खाते भूख लगी। एंड अबाउट व्हाट अबाउट यू, यू डिडंट लाइक इट? नहीं अच्छा लगा? हाँ बोलो बोलो। इतनी महंगी आइसक्रीम आ गई, आइसक्रीम आ गई, आगे बोलो। इतनी महंगी बहुत देखने कौन कर रहा है। एक ही फ्लेवर है इसमें, कौन सा लेना है? अब हम आए हैं लेयर्स खाने। आई डोंट नो व्हाई, आज बाबा ने कहा कि लेयर्स वो लेके देंगे, सो हियर वी आर। यहाँ पे बहुत रश होता है। दिस इज द केक दैट आई बाउट एंड इट्स फेरेरो क्लासिक, इसको कहते हैं। Really nice. The cake is really so good, really. सो गाइज़ आज मैं जाऊँगी यूनिवर्सिटी, सोचा सुबह सुबह क्लिप बना लूँ। इतना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, इतनी अच्छी अच्छी बारिश हो रही है, तो मैंने कहा क्यों ना इसकी क्लिप बनाऊँ। और आज यूनिवर्सिटी में काफ़ी काम है तो वो करूँगी। और वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट आते हैं।
हमारी यूनिवर्सिटी के बोर्ड पे बॉयकॉट इसराइली प्रोडक्ट्स के बैनर्स लगे हुए हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट इसराइल की हैं, इसमें सब ही मतलब आ जाते हैं, जो भी फेमस ब्रांड्स हैं वो सब इनमें ऐड होते हैं। तो थोड़ी देर में हमारी यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट होगा एंड आई एम गोना शो यू के प्रोटेस्ट कैसे होता है। हमारी मैंने खुद फर्स्ट टाइम प्रोटेस्ट देख रही हूँ होते हुए लाइव, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, देखिएगा ज़रूर। ये प्रोटेस्ट में आई हुई है आज फलस्तीन के लिए आवाज़ उठाने के लिए, टू शो द सपोर्ट एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू आमना, थैंक यू। करने वाली हूँ अपने सारे कपड़े ऑर्गेनाइज, लाइक सर्दियों के भी गर्मियों के भी, क्योंकि अब अचानक से विंटर्स आ गए हैं और मुझे कपड़े तो करने थे किसी दिन। मैं एक हफ्ते से ना इसको पेंडिंग पे डाल रही हूँ कि कल करूँगी, ऊपर से यूनिवर्सिटी भी जा रही थी तो आई थॉट कि मैं वीकेंड को करूँगी। अब फाइनली मेरे पास थोड़ा टाइम निकला है तो मैं सोच रही हूँ सारे कपड़े ऑर्गेनाइज करती हूँ। प्लीज़ ये मत कहिएगा बहुत मैसी है, बिकॉज इट इज़ मैसी, अभी हर कपड़ा निकला हुआ है और इतने कपड़े हैं, मैं सोच रही हूँ मैं इसको पैक किसे करूँगी, इट्स गोना टेक सो मच टाइम, लेट्स डू इट। आज जितने भी आप कपड़े देख रहे हैं ये सब गर्मियों के इतने ज़्यादा कपड़े निकले हैं, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। और ये वाले जो हैं ये सारे सर्दियों के हैं, ये थोड़े तादाद में कम थे बट थे, और मैं इनको फिर इस बैग में पैक करके रख दूँगी। और ये बैग जो है ना काफ़ी काम आते हैं, इनमें पैक करके अब इस सारे सामान को रखना है और ये बहुत मुश्किल होने वाला है। अभी मैंने थोड़े थोड़े करके तय करके रख रही हूँ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट डूइंग द वर्क एंड आई थॉट व्हाई नॉट आई टॉक टू यू विद इट व्हाइल डूइंग इट। सो आई डोंट नो व्हाट टू टॉक, ये मैंने अभी सर्दियों के कपड़े पहने हुए हैं, अचानक से सर्दी आई थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मेरे पेपर्स आने वाले हैं, इट्स ऑन 3 नवंबर, बहुत जल्दी आ गए हैं, मैंने सोचा नहीं था। और मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग भी नहीं डाल पाई, लाइक अब मेरा व्लॉग इस तरह हो गया कि हफ्ते में एक दफ़ा डलता है अगर कुछ खास हो तो। मेरे पास कंटेंट की बहुत कमी है सब कहते हैं, और वो है भी बिकॉज मेरे पास कुछ काम करने को है ही नहीं, आई एम जस्ट यूजुअल रूटीन। यूनिवर्सिटी में कोई मतलब ऐसा काम नहीं हो सकता जो मैं आपको दिखाऊं। एंड मेरे आहिस्ता आहिस्ता सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। मैंने कहा कि मुझे पहले लगता था कि कोई भी नहीं मुझे सब्सक्राइब करेगा, पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं एंड लोग भी मिलते हैं मुझे, यूनिवर्सिटी में मेजोरिटी लोग मिलते हैं मुझे कि वो मेरे व्लॉग्स को देखते हैं एंड आई फील सो हैप्पी कि वो देखते हैं और आके मुझसे मिलते भी हैं। तो ये यूनिफॉर्म है मेरी, कपड़े मैंने निकाले
और मुझे बहुत शिद्दत का अंदाज़ा हो रहा है कि गर्मी के कपड़े बहुत ज़्यादा थे मेरे पास, पर मेरे पास सर्दी के इतने कपड़े नहीं हैं और मुझे इसके लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी। इट इज़ टू मच, अभी और भी रहते हैं। दीज वंस वर माई फेवरेट, लाइक ये भी मैंने नया नया लिया था, मैं पहन नहीं सकी था दर से, बट खैर है यार गर्मी में बहुत कपड़े थे, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है मेरे पास बहुत कपड़े थे, अब सर्दियों में मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो गाइज, उसके बाद मैं अपने बहन भाइयों को छोड़ने गई और बस यही था मेरा आज तक का व्लॉग। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा एंड मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, अल्लाह हाफिज़। Thank you.